माइक्रोमैक्स वीडियो 3 और वीडियो 4 भारत में पेश। अमेज़न ग्रेट इंडिया सेल हो रहा है वापसी, शुक्रवार से है सेल। रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ के पार। सैमसंग का 6GB रैम वाला गैलेक्सी C9 प्रो भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और सारे स्पेसिफिकेशन। व्हाट्सएप पर आए इस फॉरवर्ड मैसेज को तुरंत कर दे डिलीट, जानिए क्या है पूरा माजरा। नोकिया 6 के लिए महज 24 घंटे में हुई 25 लाख रजिस्ट्रेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस नए चैनल आरजे टेक्निकल्स। बताइए, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। WhatsApp की तरफ से WhatsApp में जब से वीडियो कॉलिंग का फीचर आया है दोस्तों तब से WhatsApp में एक फर्जी मैसेज आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तब से WhatsApp में एक फर्जी मैसेज घूम रहा है जिसके तहत आपके सारे डिटेल्स लीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस मैसेज पे आप अगर क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट पेज खुल जाती है जिसके तहत आपको उसमें अपना नाम, एड्रेस या फिर अपने कॉन्टैक्ट आईडी नंबर जो करके रजिस्टर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे फेक है। जी हाँ दोस्तों, WhatsApp पूरे के पूरे फेक है। NDA और NIA करके कुछ मैसेज आते हैं दोस्तों, तो आपको लगता होगा कि ये नेवी या आर्मी से संबंधित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है। आप कृपया करके मैसेज को डिलीट कर दें अगर आपके फोन में आते हैं तो, क्योंकि अगर आप इस मैसेज को खोलते हैं तो आपके सारे डिटेल्स हैकर्स हैक कर लेते हैं, जिसके तहत आपका पूरा डिटेल्स हैकर्स के पास चल जाता है। जैसे कि आपके फोन में अभी डिजिटल पेमेंट का जमाना हो गया है दोस्तों, तो डिजिटल पेमेंट जो आप करते हैं आपके फोन में जितने भी ऐप्स है, डिजिटल ऐप्स या फिर कोई पेटीएम या फिर वॉलेट भीम ऐप, तो आपके अकाउंट नंबर यहां सब के आपके डेबिट कार्ड के नंबर OTA दोनों कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इससे सावधान रहिए। माइक्रोमैक्स ने अपने दो नए फोन पेश किए। जी हाँ दोस्तों, दो नए फोन पेश किए हैं वीडियो 3 और वीडियो 4। जी हाँ दोस्तों, वीडियो 3 और वीडियो 4। हालांकि वीडियो 3 की अभी भी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, किंतु वीडियो 4 की आपको बता दें कि आपको इसमें 5 इंच की HD स्क्रीन मिलेगी और 4000mAh की बैटरी मिलेगी, 1.1GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 15 का प्रोसेसर मिलेगा, 2MP का फ्रंट कैमरा होगा, 8MP का बैक कैमरा होगा और 8GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, जिसको आप 32GB का कार्ड लगाकर एक्सपेंड कर सकते हैं और एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो पर काम करेगा। जी हां दोस्तों, एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो पर काम करेगा, 1GB की रैम होगी। तो दोस्तों फीचर्स की माने तो माइक्रोमैक्स ये क्या निकालता रहता है, माइक्रोमैक्स को कॉम्पिटिशन करनी चाहिए लिनोवो, शाओमी इन सब से। तो ये छोटे छोटे फोन निकालकर माइक्रोमैक्स क्या साबित करना चाहता है ये तो हमको भी नहीं पता दोस्तों। तो हो सकता है माइक्रोमैक्स अपने छोटे मोटे ग्राहकों के लिए, जो माइक्रोमैक्स के प्रेमी हैं या फिर माइक्रोमैक्स के दीवाने हैं, उनके लिए ये फीचर्स लाता है। हाँ दोस्तों, इसमें और 4G VoLTE का भी सपोर्टेड है, तो आप जियो का सिम भी इसमें चला पाएंगे, तो एक बढ़िया फीचर दिया। और इसमें आपको प्री लोडेड गूगल की ऐप डू ऐप का प्रयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, डू ऐप आपको इसमें प्री लोडेड मिलेगा। तो अगर आपको ये फोन लेनी है तो आप जल्दी ले सकते हैं इस फोन को, कीमत करीब 4,500 रुपये होगी। तो देखते हैं ये फोन कब तक भारत पे मार्केट में अवेलेबल होता है या फिर ऑनलाइन में अवेलेबल होता है। अगर आपने अमेज़न ग्रेट इंडिया सेल को मिस किया हो तो जरूर से जरूर आप दोबारा से इस सेल में जरूर से जरूर हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर से जरूर इस अमेज़न ग्रेट इंडिया सेल में हिस्सा दोबारा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20, 21 और 22 जनवरी को अमेज़न का ग्रेट इंडिया सेल दोबारा से ओपन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से ओपन हो रहा है। आपको बता दें कि आप 15% का और 10% का डिस्काउंट मिल सकता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, 15% और 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। अमेज़न ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न ने स्टेट बैंक इंडिया से हाथ मिलाया है, जिसके तहत आप अगर स्टेट बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऐप और 10% ऑन वेबसाइट पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ऐप से डिस्काउंट कुछ खरीदते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा और वेबसाइट से खरीदते हैं तो 10% का, और सिर्फ आपको स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। तो जिनके पास स्टेट बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो वो जरूर अमेज़न पर ग्रेट इंडियन सेल पर परचेस कर पाएंगे। तो 20, 21 और 22 तारीख को ये सेल होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि नोकिया 6 जो कि चीन में लॉन्च हुआ था, इसकी रजिस्ट्रेशन JD.com पर चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी रजिस्ट्रेशन JD.com पर भी, जो कि 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो गई है JD.com पर।
तो दोस्तों नोकिया के जैसे हम लोग जानते हैं जो कि नोकिया के इस फोन में वैसे कुछ खास फीचर्स है नहीं, पर एक ब्रांड वैल्यू है दोस्तों नोकिया का। नोकिया का पहले नोकिया चीन और भारत में बहुत फेमस था, तो दोस्तों हो सकता है नोकिया के इस ब्रांड का नाम ही नोकिया के सिर का कारण हो। तो दोस्तों अच्छा है दोस्तों नोकिया, क्या बोले नोकिया हमारे देश में धोखा इतना किया कि क्या बोल पता है, नोकिया 6 को हमारे देश में भी लॉन्च करना चाहिए था, तो दोस्तों ये तो हुआ नहीं। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों MWC 2017 के इवेंट में हो सकता है नोकिया कुछ फोन अनवील्ड करे जो हमारे देश के लिए अवेलेबल हो, या दोस्तों भारत के लिए अवेलेबल हो, तो इस इवेंट का तो इंतजार रहेगा दोस्तों। देखते हैं नोकिया अनवील्ड करता है कि नहीं। तो दोस्तों सैमसंग का C9 Pro दोस्तों लॉन्च हो चुका है भारत में। जी हां दोस्तों सैमसंग का C9 Pro भारत में लॉन्च हो चुका है, इसे आप ऑनलाइन स्टोर में भी बुक कर सकते हैं और चुनिंदा स्टोर में भी जाकर बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों चुनिंदा स्टोर में भी जाकर बुक कर सकते हैं। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की माने तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 653 का प्रोसेसर दिया गया है। जी हां दोस्तों 653 का प्रोसेसर दिया गया और 6GB की रैम होगी। और कीमत की बात करें तो दोस्तों इसे 36,900 यानी करीब 37,000 रुपीस होगी। तो दोस्तों इसमें बुकिंग आप 27 जनवरी से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों 27 जनवरी आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन चुनिंदा स्टोरों में जाकर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 4000 एमएएच की बैटरी मिलेगी, 1.44 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 652 चिपसेट को सपोर्ट करेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, फुल एचडी की स्क्रीन होगी, 6GB की रैम होगी, एंड्रॉइड 6.0 पर चलेगा, 64GB की इनबिल्ट होगी और 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा भी मिलेगा। जी हां दोस्तों दोनों कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल दिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों सैमसंग का ये फोन कैसा होता है या फिर कैसा होता है ये तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। फिर भी सैमसंग का ये प्राइस के हिसाब से थोड़े ज्यादा है दोस्तों, तो सैमसंग एक ब्रांड नेम है दोस्तों, तो आप सैमसंग को अगर लाइक करते हैं या फिर अच्छा लगता है आपको सैमसंग, तो आप जरूर से जरूर सैमसंग के इस हैंडसेट को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे टेक और टेक से जुड़े न्यूज़ लाता रहूंगा।